ऑलराइट, सो इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग और नींद ज़्यादा कुछ हुई नहीं है, थोड़ी बहुत हुई फिर भी ठीक है, कल दोपहर को सोया था तो आई एम ओके। और हम लोग अभी निकल रहे हैं हमारे ट्रिप पे, तो इस बार बाइक पे जो मगजमारी कर करके हम जाते हैं, जितना अनकंफर्टेबली हम जाते हैं उतना ही कंफर्टेबली आज मैं जा रहा हूँ। कार में कैजुअल कपड़े पहन के जाएंगे। ठाकुरान जी को तो देखो, और ठाकुरान जी ओ हो क्या बात है, एकदम कम्फी क्लोथ्स, कार सुबह का टाइम है, कार में सो जाएंगे। सो जाएंगे, तू सोएगी बाबा, हम कहाँ सोएंगे। मैं अच्छा, कार चलाने का इरादा है या नहीं है? नहीं नहीं चलाऊंगी मैं भी। चलाएंगे, चलो ठीक है, दिन जब आएगा तब ट्राई करेंगे अपन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पुणे पहुंचना है जल्द से जल्द, और फिर वहां से पुणे क्रॉस करना है, वो सबसे पहला स्टेप है। एक बार ट्रैफिक निकल गई बड़े शहरों की, निकल गई, चले चलो चलो निकलते हैं। सो तेंदुओं को बाय बाय बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, आराम से रहना, अभी तेरी रेस्ट है, अगली बार तेरी बारी। बहुत सामान होगा क्या? बहुत ज्यादा, अभी देख तू ये देख। अरे भाई उनकी किधर बैठे गए? तो वही तो देख, ये अपना है, ये एक्स्ट्रा बैग है और तेरी लैपटॉप बैग है। लैपटॉप बैग मैं आगे ले लूंगी, बट इसका कुछ करना पड़ेगा अभी, उनकी जगह इतने में उनका होना चाहिए। हाँ, इतने में हो जाएगा उनका, एक के ऊपर एक। चलो निकले, चलो गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया, गजानन महाराज की जय। टॉयलेट लिया गया, सबसे पहला फ्यूल ब्रेक और फुल टैंक हो रहा है, तो आई थिंक एक फुल टैंक में नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक डेढ़ फुल टैंक तो लगेगा। ठाकुरान जी एंजॉयिंग, मजा आने वाला है। ये देखो रात के अंधेरे में भीड़ देखो हाईवे पे, अभी हम लोनावला चढ़ रहे हैं। लग रहा है क्या ये टाइम है? ऐसा लग रहा है पीक टाइम है। फुल ऑन ट्रक्स। वैसे 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच गए, सो फार स्पीड बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लो है, थोड़ा टिकट इजी लेना पड़ेगा। एक बार घाट निकल गए फिर सुसाट, 1 घंटे में पुणे अभी यहाँ से। साला हो क्या रहा है, जितना भी मुंबई के बाहर निकलने की कोशिश करो ट्रैफिक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिछले 10 मिनट से हम लोग स्लो मूविंग ट्रैफिक पे, आगे देखो क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो कोई भी टाइम पे निकलो, यही है सेम हालत है। मुंबई पुणे बाय रोड करना मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया आजकल, उस दिन तो बस से आया मैं पागल हो गया था। ऑलराइट, सो हम लोग पहुँच चुके हैं पुणे और मैं रुका हूँ, ये लोग नीचे आएंगे, तब तक थोड़ा विंडशील्ड जो है वो साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी गंदी हो गई थी। ऑलराइट, सो गाड़ी अभी फुल्ली लोडेड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखो टायर पूरा पूरा दबा हुआ है, पूरी जो डिक्की है अभी आप लोग को अगर मैं खोलूंगा तो गिर जाएगी। हमारे को ट्रैवलर्स भी बैठ चुके हैं, लेकिन उनका मैं इंट्रो आराम से दूंगा। ऑल सेट? यप, लेट्स गो। चलो ठीक है। ऑल राइट, सो सातारा क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट कोल्हापुर के 70-80 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे देखो कोहरा है बॉस। और ठाकुरान जी बढ़िया, हुडी निकाल लो। हुडी थी? अरे इतनी कौन सी ठंडी यार, 14 डिग्रीज ओनली, अरे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। मुंबई से आए लोग हैं, कर लो स्टोरेज वोरेज निकाल लो, बहुत सब बहुत महीनों से तू ये इसकी राह देख रही थी ना। यस, निकाल ले निकाल ले। हां असिस्ट हो गया मेरा, आओ बैठो। तो एज यूजुअल हाईवे की चाय मीठी है बट अच्छी चाय है, ये है अमेय। अभी अगले 7-8 दिन ये चेहरा याद रखना अमेय, और वहाँ पे है उनकी बीवी क्रांजी। मिला तो आराम से अच्छे से सब मिलाता हूँ, अभी ट्रिप बस शुरू हुई है, दिस इज द फर्स्ट डे। तो ऐसा वाला फॉग हमने देखा था अभी आते टाइम ग्वालियर में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग है, इनफैक्ट ये एरिया में मैंने इतना फॉग कभी देखा नहीं है, और ठंडी भी अच्छी खासी है, अभी जस्ट सुबह होने वाली है। हाँ बाय द वे, प्रांजलि अमेय की वाइफ, माय वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड, ठाकुरान जी की फ्रेंड है अमरावती की। आजकल मैं जितना भी ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग लोग है ना, 2-3 महीने से अलग अलग लोग से ट्रैवल कर रहे हैं। और ये सफ़ेद सफ़ेद धुन में हमारी सफ़ेद मसकली, वाह 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 वाह, इतना मस्त सफ़र गुजर रहा है आज। एंड मसकली परफॉर्मिंग एज यूजुअल बढ़िया, 100 के आसपास भगा रहे, ज़्यादा नहीं भगा रहे, और मज़ा भी उतना ही आ रहा है, बस गप्पे जप्पे चालू है। अरे कुछ दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ है, पक्का गोवा ही चल रहे हो ना? नहीं अभी 2 घंटे में अमृतसर आ जाएगा मैडम, तो छोले कुलचे खाना है ना। यस, पीछे आप लोग को भी चलेगा ना छोले कुलचे? बिल्कुल। तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा, ये छोले कुलचे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो सुबह हो चुकी है और ये रहा गोवा वेस्ट वाला टर्न, यहाँ से जा सकते हैं नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा का रास्ता यहाँ से आता है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सीधा। सब लोग सोए हुए हैं? नॉट मी, नहीं, हम दोनों जागे हुए हैं, बस गाने सुन रहे हैं।
थोड़ा पैसा काट लेते हैं, काट लो। थैंक यू। कहीं हार फूल कहीं पाइजे का काय को बेच रहे लोग? अरे इधर मंदिर रहेगा ना कुछ। तो हम लोग अभी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे बेलगांव, बेलगांव, बेलगावी, जो भी आप बोलना चाहेंगे। आंखों में नींद भरी पड़ी है लेकिन सो नहीं सकते। तो बेलगावी में चाय की चुस्की ली जाएगी और शायद नाश्ता भी करेंगे। भूख लगी है ना सबको? आएंगे ना? चलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हम लोग अब बेलगांव में, और बेलगांव में हमने बड़े मुश्किल से नाश्ता ढूंढा है, ऑथेंटिक कर्नाटका, क्या बात है। ऑलराइट, सो नाश्ता हो चुका है और अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि बेलगांव में नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू, सॉरी वीकेंड कर्फ्यू है बेलगांव नहीं, पूरा कर्नाटका में। तो इसीलिए हमको कुछ खाना अच्छे से मिल नहीं रहा था, बट अच्छा मिल गया। चलो निकले, डन। सो लिया गया है दूसरा पेट्रोल ब्रेक, अभी भी जरूरत नहीं, अभी एक बार फुल कर देना, अभी डायरेक्ट गोवा में। और कर्नाटका में पेट्रोल का रेट है 100 रुपया, महाराष्ट्र से सस्ता, 10 रुपये सस्ता। क्या है ये? चोरला घाट की हालत थोड़ी नाजुक है, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही नाजुक है। इससे बेहतर अंबोली घाट, डेफिनेटली इससे बेटर है। हमारा ईटी जो है वो शॉर्ट नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब तक इतना अच्छा रास्ता हमने कवर किया, लेकिन अभी यही यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ट्रैफिक भी है थोड़ी बहुत, और रास्ते तो पूरे लगे पड़े हैं। गोवा इज जस्ट 9700 किलोमीटर बस, लेकिन उसके लिए भी 2.5-3 घंटा बता रहे हैं। सो चोरला घाट हो चुका है शुरू, और ये यहाँ पे देखिए भाई साहब, ओह। पर सूरज पीछे है इसलिए आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमको दिख रहे हैं माउंटेन्स वहाँ पे, और ये साइड पे भी माउंटेन्स है। ये देखो वो सही है, एकदम उत्तराखंड की याद आ गई। उत्तराखंड में कुछ ऐसे ही टाइप के पहाड़ थे, बस थोड़े बड़े थे। तो ये रही गोवा बॉर्डर चेक पोस्ट, और आपको देखिए बताता हूँ कि अभी अभी हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट सिर्फ पूछे गए हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट RT-PCR हाँ है सर, जाओ तो लेके आओ, अगर आना है तो। हमारे बोल नहीं सकते, सच्चाई दिखी है, हमारे आंखों में उनको सच्चाई दिखी, और हमको, हम सोच रहे थे यार कोई चेक नहीं कर रहा है यार, 2000 रुपये वेस्ट चले जाएंगे, लेकिन ठीक है। अबे अगर आप आ रहे हो जस्ट इन केस तो अपने रिस्क पे आओ, अगर बिना RT-PCR आए तो। मैं आई वुड सजेस्ट कि लेके आओ ना, फालतू में यहाँ से वापस भेज दे तो क्या करोगे यार। और बस बाकी थके थके चेहरे देख लो हमारे, सब लोग अपने चेहरे छुपा रहे हैं, मेरा चेहरा तो थका हुआ रहता है। कहाँ आ गया अपन अभी? नो आइडिया, नो आइडिया। तो जी हाँ दोस्तों, हम गोवा पहुँच चुके हैं, अभी बजे है, छोड़ो क्या करोगे टाइम का, टाइम तो बहुत हो गया है, थक गए एकदम, चूर चूर, अभी नींद आ रही है खतरनाक। अभी होटल जाएंगे, खाना खाएंगे, होटल बुक करके रखा है, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और फिर शाम को निकलेंगे बाहर। अच्छा लग रहा है यार, 2.5 साल बाद गोवा है, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने चैलेंज लिया था कि मैं ऑर्डर आने के पहले सारे के सारे क्यूज अंदर डालूंगा। ये देखो बस 2 बचे हैं, अभी अभी भी खाना आना बाकी है, तो ट्राई करता हूँ। ऑलराइट, सो मिशन इज सक्सेसफुल। और ये देखो अभी खाना आया है, जीत गया। ऑलराइट, सो हम लोग आ चुके हैं, हमारे 2 से 3 दिन हम लोग यहाँ रुकेंगे इस प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी का नाम है बेवॉच रिट्रीट इन कोलवा, जबरदस्त जगह है, यहाँ पे हम लोग 2 दिन आराम से, 5 मिनट दूर वॉकिंग है, बीच वॉकिंग बीच है, तो मज़ा आने वाला है। अभी बहुत थक गए, थोड़ा फ्रेश होके मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। क्या बोलते इसको? वेलकम ड्रिंक, ऑरेंज फ्लेवर्ड वेलकम ड्रिंक, थैंक यू सो मच। ये रही हमारे रूम्स, ये है उन दोनों के रूम, ये है हम दोनों की रूम, ऊपर भी रूम्स है। ये देखो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, और सबसे पहले आपको मैं रूम्स दिखा दूँ, तो रूम देखोगे साइज रूम की देखो, ओ हो हो। तो आते ही आपको मिलेगा ये स्टोरेज स्पेस, ये पूरे कबर्ड्स, ये पूरा का पूरा स्टोरेज स्पेस है। बाथरूम अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार थोड़ा गंदा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज अ कम्प्लीट बाथरूम, वंडरफुल। और ये रहा कम्प्लीट रूम, बिग साइज बेड, यहाँ पे पूरे के पूरे चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे आपको और स्टोरेज मिलेगा, टीवी ऑफ कोर्स, एसी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये, हाँ ये तो है, यूट्यूबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लड़कियों के लिए भी, और एक चीज़ है तो ये है पूल व्यू,
यहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं शाम को जाने का, लेकिन उसके पहले सोना पड़ेगा अपने को। बाप रे, बहुत थक गए। और ये रही छोटी सी बालकनी, तो यहाँ पे हम लोग टाइम पास कर सकते हैं। और उन लोग का रूम बाजू में ही है। बस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं चश्मा पहन के रखा हूँ। देखो मेरी आँखें एकदम ऐसा, पूरा का पूरा नींद जो है वो टपक रही है आँखों में से। सो अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगा नहाने के बाद, और फिर 4-5 बजे उठूंगा, और फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए नो एनर्जी बॉस, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपके लिए 1 सेकंड में। सो हम लोग ने 2 घंटे की अच्छी खासी नींद ले ली है, नाउ वी आर थोड़ा बहुत फ्रेश। थोड़ा बहुत, यस। ये देखो यहाँ पे है सनबेड्स, और ये रहा पूल, और ये रहा एक और पूल। तो सोच रहे थोड़ा फोटोज वोटोज निकाल लें, और आज का दिन हम यहीं रुकेंगे, मतलब या होटल के आसपास ही रुकेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। ये देखिए ये सारे रूम्स में भी अच्छा व्यू है, देख उनको भी बालकनी है, मतलब हर एक रूम को बालकनी है, हर एक रूम को व्यू और बालकनी दोनों है, देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, वाह। अभी जैसा आप लोग को पता है कि थोड़ा कोविड नॉर्म्स आ गया गोवा में, तो इसकी वजह से इतना सारा क्राउड नहीं है, और कुछ कुछ एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग पूल ये सब थोड़ा लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन में चल रहा है। तो आप जितने भी अगर लोग देख रहे हो, कम लोग देख रहे हो, दैट उसका रीज़न ये है। और फॉर्चुनेटली अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, दैट्स इट। बाकी क्या मस्त है यार। अभी हम कौन सा बीच जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सेना बातिम बीच, विच इज जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम दिस होटल। क्या बात है। और कोलवा बीच ये सब भी ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर पे ही है। ओहो, स्काई का क्या कलर हो गया है। अभी ये कैमरा में थोड़ा सा एग्जैक्ट जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, लेकिन ब्यूटीफुल पैटर्न है ना पूरा। और इतने पहाड़ों में जा के अभी बीच का मजा ही कुछ और है। सीरियसली 1 महीने पहले मैं मुंशियारी के लिए, मतलब हिमालयस के लिए निकला था, और आज 1 महीने बाद मैं यहाँ पे हूँ। और पिछले साल गोवा आए थे तब, टू बी ऑनेस्ट, इतना एंजॉय नहीं हो पाया किया था अपन, है ना। वो थोड़ा मानसून में आए थे और पहली बार पूरा बाइक का ट्रिप था, पैनियर्स ये सब चीज़ें लेके गए थे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इस बार थोड़ा चिल है। तो फाइनली हमको सनसेट मिल गया, क्या परफेक्ट टाइम पे आया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, एंड द बीच इज आल्सो सो गुड। बहुत अच्छा बीच है, देखो बहुत अच्छा बीच है यार, वाह। पहले दिन गोवा में बीच पे सनसेट देखा, मजा आ गया यार। अच्छा हुआ हम लोग सिर्फ 2 घंटा सोए, और बहुत अच्छा बीच है, और ठंडी लगने वाली है। हाँ, रात को अभी ठंडी हवा लग रही है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। देख सकते हो मेरे सारे फ्रेंड्स और बीवी वहाँ पे बैठे आराम से, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जस्ट टू मेक गुड वीडियोस फॉर यू। तो थोड़ा आपका सपोर्ट बनता है ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो और मेरी मेहनत थोड़ी रंग लाए। बाकी देख सकते हो, व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग, वर्थ है भाई, वर्थ है, मतलब आज दिन भर का ट्रैवलिंग वसूल। तो चलो अभी बैठता हूँ थोड़ा यहाँ पे, शैक्स पे कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये देखिए, ये होता है चॉकलेट डोसा, कुछ भी चॉकलेट पैनकेक है। हाँ, तो अच्छी लैंग्वेज में पैनकेक है, बट देसी लोगों के लिए चॉकलेट डोसा। गोवा में आके पैनकेक है, वाह। रस्ते पे चांगला डोसा है रे, छान डोसा है। Alright, so it's time to end this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगे। Do hit the like button और 1000 likes का टारगेट है, उसको कंप्लीट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे। और ठाकुराइन जी कैसे लग रहा है? Enjoying. अच्छा लग रहा है? After so long. तो हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बीच पे बैठे थे आराम से। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, बाकी चलो साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ।